नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में मेरे पास एक चाइनीज़ कीपैड फ़ोन है और इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस फ़ोन के अंदर कभी नो सर्विस प्रॉब्लम दिखा रहा है और कभी इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है। तो ये दोनों टाइप की नेटवर्क प्रॉब्लम को आप लोग किस तरह बहुत ही आसान तरीक़ों से सॉल्व कर पाएंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये जो मैं आप लोग को मैथड यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये मैथड सभी कीपैड फ़ोनों में काम करेगा जिस फ़ोन के अंदर इस टाइप नेटवर्क प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं फ़ोन को ऑन किया है और यहाँ पे देखिए नो सर्विस लिखा आ रहा है और कुछ टाइम के बाद इसमें इमरजेंसी कॉल लिखाएगा। और इस फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो भी सही है। तो अभी हम इसकी नेटवर्क को मैनुअल सर्च करके देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेटवर्क को मैनुअल सर्च करने पर प्लीज़ ट्राई अगेन दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले फ़ोन को ओपन करना है। तो पहले फोन को क्विकली ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फोन जो हमारे यहाँ पे ओपन हो चुका है और अभी हम इसकी जो नेटवर्क एंट्रेंस सप्लाई पॉइंट है उसको चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के पहले इस जगह को क्लीन कर लेते हैं। और अभी इस नेटवर्क एंट्रेंस सप्लाई का जो पॉइंट है उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, जो नेटवर्क एंट्रेंस सप्लाई का पॉइंट है ये दोनों सही है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे इसमें आपको दो पॉइंट मिलेगा, एक GSM और एक GND। तो GSM का जो पॉइंट होते हैं यही हमारा नेटवर्क एंट्रेंस का मेन पॉइंट, इसी से नेटवर्क इन होते हैं। और ये जो आप लोग यहाँ पे कनेक्टर देख पा रहे हैं ये नेटवर्क एंटेना के साथ अटैच होकर रहते हैं और उसके बाद फोन में नेटवर्क आते हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं दोस्तों, कभी कभी नेटवर्क एंटेना और ये कनेक्टर एक दूसरे से अटैच ना होने की वजह से भी नेटवर्क के प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक जम्पर वायर लेंगे और इसके साथ जोड़ के नेटवर्क को एक बार चेक करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर भी इसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। उससे पहले मदरबोर्ड सील को रिमूव करना है, तो पहले मदरबोर्ड सील को रिमूव कर लेते हैं। तो इसको रिमूव करने के पहले इसमें हम थोड़ा फ्लक्स लगा देंगे। देखिए दोस्तों, सील जो हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है और अभी हम बोर्ड को थोड़ी टाइम कूल करने के बाद एक बार क्लीन कर लेंगे। दोस्तों, मैं बोर्ड को कूल करने के बाद क्लीन भी कर लिया और अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दो मेथड में कर सकते हो। एक ये जो क्रिस्टल देख पा रहे हैं इस क्रिस्टल को रिप्लेस करके, और दो इसी क्रिस्टल को उठा के फिर उसको दोबारा हीट करके लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी और एक मेथड है दोस्तों, जिससे क्रिस्टल को भी रिप्लेस ना करना पड़े और नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो भी परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ।
तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो केस्ट्रोल है इसको आपको रोटेट कर लेना है, उठा के रोटेट कर लेना है, यानी केस्ट्रोल की इधर की साइड उधर और उधर की साइड इधर कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये करके देखता हूँ इससे हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो केस्ट्रोल को रोटेट करने के बाद अभी हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम नेटवर्क को चेक करके देखेंगे फ़ोन में हमारा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं और हमारा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों फ़ोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो अभी फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग कोई भी कीपैड फ़ोन की नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।